ऑक्सीजन ओएस 11 ओपन बीटा 10 फॉर द वन प्लस 8 एंड वन प्लस 8 प्रो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो स्मार्टफोन के। अगर आप यूजर हैं तो आपको ओपन बीटा 10 के नाम से नया अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि बीटा का अपडेट है। अगर आप स्टेबल यूजर हैं तो आपको बीटा का अपडेट अगर फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको बीटा रोम को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कराना होगा। परंतु अगर आप बीटा यूजर पहले से हैं तो आपको ओटी अपडेट के रूप में नया अपडेट देखने को मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप ऑक्सीजन अपडेटर या फिर आपको जल्दी अपडेट देखने को मिल जाएगा। उस तरीके से आप ओटी अपडेट के द्वारा अपने डिवाइस को अपडेट कर पाएंगे। परंतु इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, उसके बारे में मैं आपको यहां पर काफी ही डीपली जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूं इसके चेंज लॉक के बारे में। तो इसका जो चेंज लॉक है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। इसके चेंज लॉक में आपको ये अब्दुल वीक के द्वारा थ्रीड क्रिएट किया गया है, या फिर आप ऑक्सीजन अपडेटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं वहां से भी इस थ्रीड को रीड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको ऑक्सीजन अपडेटर के द्वारा इस थ्रीड को दिखा रहा हूं। साथ ही मैं बात करूं इसमें आपको देखने को मिल जाता है चेंज लॉक के अंदर सिस्टम के अंदर इंप्रूव द लोडिंग स्पीड ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अगर आप इसके प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, जो कि अबाउट फोन सेक्शन में आपको देखने को मिल जाती है, उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो यहां पर इंप्रूव कर दी गई है। तो ये आपको वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो दोनों ही मोबाइल फोन्स पर देखने को मिल जाता है। साथ ही में इंप्रूव द टेक्स्ट डिस्प्ले ऑफ द सेटअप विजार्ड। अगर आप टेक्स्ट डिस्प्ले को सेटअप करते हैं तो ये आपको कुछ सेटअप करने का यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। साथ ही में फिक्स द स्मॉल प्रोबेबिलिटी इशू वेयर रिकॉर्डिंग ऑडियो विद हेडफोन मे नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। अगर आप हेडफोन का यूज करते हैं या फिर आप ईयरफोन का यूज करते हैं, उस दौरान माइक जो है वो यहाँ पर साउंड क्लियर नहीं दे रहा था, जो हम लोगों को एक्सपेक्ट होनी चाहिए थी, उस चीज़ को भी फिक्स किया गया है। साथ में फिक्स द अबनॉर्मल डिस्प्ले इशू विद द सेटिंग्स टाइटल When the free form window is enabled। अगर आप developer option में जा करके free form windows को enable कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपको जो free form window है उसमें यहाँ पर screen सही से show नहीं कर रही थी, इस चीज़ को भी fixing की गई है। तो ये चीज़ भी अब आपको fixes के साथ में देखने को मिल जाती है। साथ ही में fix the small probability issue where the status bar display two SIM card mobile data icon at the same time। अगर आप यहां पर देखेंगे स्टेटस बार के अंदर तो आपके दोनों सिम कार्ड पर मोबाइल डेटा इनेबल कभी कभी शो कर जाता था, ऐसा कुछ इशू था, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। साथ ही में फिक्स द स्मॉल प्रोबेबिलिटी इशू दैट सम कवर्स ऑफ थर्ड पार्टी म्यूजिक ऐप स्टिल डिस्प्ले एज लॉक स्क्रीन इवन द म्यूजिक नोटिफिकेशन इज रिमूव्ड। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल में देखेंगे, वहाँ से जो भी थर्ड पार्टी म्यूजिक अगर आप प्ले करते हैं उसका स्टेटस बार आप उसको हटा देते हैं, फिर भी आपको लॉक स्क्रीन पर उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आपको देखने को मिल जाती है, उस चीज़ को भी फिक्स किया गया है। ये चीज़ आगे चल करके वन प्लस 7 और 7T सीरीज पर भी ये चीज़ फिक्स होनी बाकी है। साथ में वन प्लस नॉट डिवाइस पर भी ये इशू देखने को मिल जाता है, उस पर भी आगे चल करके फिक्स होगा। साथ में एम्बियंट डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें अब आपको बिटमोजी एओडी फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है न्यूली एडिड बिटमोजी एओडी को डिजाइंड बाय स्नैपचैट एंड बिटमोजी। स्नैपचैट और बिटमोजी के द्वारा इस चीज़ को बनाया गया है, तो ये चीज़ अब आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती है। परंतु ये फिलहाल में उतनी ज़्यादा इम्प्रूव के साथ में अभी देखने को नहीं मिलेगी, आगे चल करके ये इम्प्रूव होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ओएस में ये चीज़ आपको पहले भी देखने को मिल गई थी। परंतु अब जा करके आपको वन प्लस 8 और 8 प्रो जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 पर रन कर रहे हैं उनको देखने को मिली है। तो ये चीज़ आप कुछ इस तरीके से अपने डिवाइस पर सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना है, कस्टमाइजेशन में जाना है, उसके बाद देखेंगे आपको क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहाँ पर बिटमोजी का एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। तो उस ऑप्शन को आप टैप करेंगे, वहां से इसका सेटअप कर पाएंगे। साथ में फोन की बात करूं तो इसमें इंप्रूव द ऑडियो एक्सपीरियंस When the phone is connected with OnePlus Watch and OnePlus Buds। अगर आपका मोबाइल फ़ोन OnePlus Watch और OnePlus Buds के साथ में कनेक्ट होता था तो उस दौरान आपको साउंड है वो प्रॉपरली नहीं आती थी ईयर पीस पर, तो उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। साथ में फिक्स द इशू दैट द कॉल रिकॉर्डिंग लिस्ट इज नॉट अपडेटेड इन
टाइम आफ्टर द सिस्टम इज अपग्रेडेड। अगर आपका सिस्टम जो नया अपडेट हुआ था अभी जो पिछले अपडेट पे, उसमें आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर शो नहीं करती थी, वो लिस्ट अपडेट ही नहीं होती थी, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। साथ में फिक्स द स्मॉल प्रोबेबिलिटी इशू दैट द डिटेल्स पेज ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट डिस्प्ले। अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट आपके शो नहीं कर रहे थे, जिनकी डिटेल्स यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा था, उस चीज़ को भी यहाँ पर इम्प्रूव करके फिक्स कर दिया गया है। साथ में फिक्स द इशू दैट द कॉलिंग कंटेंट इज नॉट डिस्प्ले। अगर आप यहाँ पर कभी कभी कॉल कर रहे होते थे तो वो यहाँ पर कॉलिंग का डेटा जो आपको UI देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिल रहा था, उसकी जगह पर आपको सिंपली आपका जो होम पेज होता है फोन एप्लीकेशन का वही देखने को मिला था और कुछ शो नहीं कर रहा था, परंतु आपकी कॉल है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जा रही थी, उस चीज़ को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। साथ में बात करूँ मैं कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पर कैमरा में आपको इम्प्रूव देखने को मिल जाता है, इम्प्रूव द वीडियो प्रीव्यू क्लियरिटी अंडर 4K 60fps मोड। अगर आप यहाँ पर 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते थे, उस दौरान आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिला था, आपका जो प्रीव्यू है वो उतना अच्छा नहीं आता था, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। परंतु इन्हें यहाँ पर वीडियो की रेंडरिंग को भी और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि वीडियो की जो रेंडरिंग आती है वो उतनी ज़्यादा बेटर नहीं देखने को मिलती है, इस चीज को भी फिक्स करना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ में ब्लूटूथ के अंदर इंप्रूव द कनेक्शन स्टेबिलिटी विद OnePlus Buds। अगर आप OnePlus Buds को अपने डिवाइस के साथ में कनेक्ट करते हैं, वो यहां पर इशू कर रही थी, उस चीज को भी यहां पर फिक्सेस होने की आवश्यकता थी, वो चीज भी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। परंतु OnePlus 7 और 70 सीरीज पर ये इशू अब देखने को मिल रहा है, OnePlus Buds का उस पर भी फिक्सेस होने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। वो डिवाइस भी अगर यूजर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी यहां पर आई होप है आगे चलकर के इसका अपडेट देखने को मिल सकता है। साथ ही में नेटवर्क की बात करूं तो फिक्स द स्मॉल प्रोबेबिलिटी इशू दैट द नॉन डिफॉल्ट डेटा सिम कार्ड इन गेमिंग मोड कैन नॉट गेट एक्सेस टू 4G नेटवर्क। अगर आप ड्यूअल सिम यूज कर रहे थे तो यहाँ पर आपका एक सिम कार्ड ही गेमिंग मोड पर वर्क कर रहा था, जिस पर आपका इंटरनेट होता था, दूसरा सिम कार्ड 4G के नेटवर्क को कैपेबल नहीं कर रहा था, यानी कि वोल्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इस कारण से आपकी कॉलिंग अगर आती थी वो यहाँ पर स्विच ऑफ के दौरान में उस नेटवर्क को बताता था, उस चीज़ को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। साथ में फिक्स द इशू दैट द नियर बाय वाईफाई नेटवर्क कैन नॉट बी स्विच्ड इंटेलिजेंटली। आपका जो वाईफाई नेटवर्क है वो अपने आप स्विच नहीं कर रहा था, उस चीज़ को भी फिक्स किया गया है। साथ में फिक्स द ओकेशनल फेल्यूर टू कनेक्ट द वाईफाई नेटवर्क। आपका डिवाइस कभी कभी कनेक्ट नहीं होता था वाईफाई के साथ में ऑटोमेटिकली, उस चीज़ को भी फिक्स किया गया है, क्योंकि ऐसा इशू काफ़ी लोगों को देखने को मिला, तभी ये चीज़ यहाँ पर फिक्सेस के साथ में दी गई हैं। तो ये जो अपडेट है आपके डिवाइस का वो काफ़ी ज़्यादा फिक्सेस वाला अपडेट देखने को मिल जाता है। आई होप ये अपडेट आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों पर खरा उतरने को देखने को मिल जाता है। परंतु अब जो ये अपडेट आया है फिक्सेस के साथ में, अगला अपडेट जो स्टेबल का आएगा वो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।